आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण, यहाँ विकर्ण 24 मीटर है। विकर्ण मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने तक की लंबाई, और शेष सम्मुख शीर्षों से, ये शीर्ष है जैसे ए है, इसका नाम शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, ये भी शीर्ष है, और ये चार शीर्ष हैं इसके अंदर, और इन चार शीर्ष में दो शीर्षों पर तो हो गया विकर्ण, बाकी जो दो शीर्ष बचे उनसे इस विकर्ण पर खींचे गए लंब, इसी विकर्ण पर दो लंब खींचे गए हैं, एक 8 मीटर का है जो कि ये रहा, और एक 13 मीटर का जो कि ये रहा। लंब मतलब सीधी लाइन यानी कि ऊंचाई, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ये समलंब नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बोला भी नहीं है, तो इसलिए समलंब का जो क्षेत्रफल है वो इसमें नहीं लगेगा। यहां पर दूसरा तरीका अगर हम देखें इसे सॉल्व करने का, ये पूरा जो चतुर्भुज है एबीसीडी, एबीसीडी हमने नाम दिए हैं, एबीसीडी इसमें नाम नहीं दे रखा, इसलिए ये चित्र बनाना पड़ेगा, और नाम चाहो तो एबीसीडी दो, चाहे पी क्यू आर दो, वो अपनी मर्जी है। ए यहां रखो या यहां रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी इस तरह से भी हो सकता है। ये इसमें ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये वाली जो ऊंचाई है ये ऊंचाई हो जाएगी ए बी डी के लिए, और बी डी इसका आधार हो जाएगा। ये ए बी डी एक त्रिभुज हो गया, बी डी सी दूसरा त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज से मिलकर ये चतुर्भुज बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है इसमें लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × बेस × हाइट, आधार गुना ऊंचाई। आधार ए बी डी त्रिभुज के लिए, बी डी आधार है, खाली जो है इसकी ऊंचाई है, इसका यहाँ कोई नाम दे देंगे, ए से यहाँ पर जैसे ए बी सी डी आ गया, यहाँ पर एम दे दिया, ए एम ए बी डी की ऊंचाई हो गई, इसी तरह से यहाँ पर एन दे दिया, सी एन बी डी सी त्रिभुज की ऊंचाई हो गई। आधार बी डी हो गया दोनों के लिए, ऊंचाई अलग अलग है ए एम और सी एन, इन ऊंचाइयों की और आधार की हेल्प से इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीधा इसमें लिखना है चतुर्भुज ए बी सी डी। अब चतुर्भुज ए बी सी डी हमने नाम दिया है, इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसमें त्रिभुज का निशान बना देंगे, त्रिभुज इसमें दो त्रिभुज है ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस बी डी सी, दूसरा त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल बराबर के नीचे बराबर, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 × आधार, आधार यहां पर है बी डी, बी डी ऊंचाई यहां पर त्रिभुज ए बी डी के लिए ए एम है, ए एम ए बी डी का क्षेत्रफल हो गया, प्लस बी डी सी के लिए भी 1/2 × आधार, आधार यहां इसके लिए भी बी डी है, बी डी सी के लिए बी डी आधार है, ऊंचाई बी डी सी के लिए सी एन इसकी ऊंचाई है, 1/2 आधार × ऊंचाई, 1/2 आधार × ऊंचाई, 1/2 दोनों में कॉमन है, 1/2 बाहर लेंगे, बी डी बी डी दोनों में कॉमन है, गुना में बी डी कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, चाहो तो ब्रैकेट के अंदर इसमें ऐसे रख लो, इस वाले ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट में जो दोनों में है वो हमें बाहर लेना है, 1/2 इसके अंदर भी है, 1/2 इसके अंदर भी है, 1/2 बाहर ले लिया, बी डी इसमें भी है, बी डी इसमें भी, बी डी भी बाहर ले लिया, बाकी क्या बचा, ए एम बचा इस वाले ब्रैकेट में 1/2, और बी डी बाहर आ गया, ए एम बच गया, यहाँ प्लस है प्लस रहेगा, 1/2 बी डी दोनों बाहर आ गए, मतलब ये जो कॉमन लिए गए उनकी भाग करके जो बचेगा वो ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, जैसे 1/2 की भाग करिए 1/2 खत्म, बी डी से बी डी कट गया ए एम बचा, 1/2 से भाग करेगा खत्म कर देगा, बी डी से बी डी कट गया, यहाँ सिर्फ बचा सी एन, जिन जिन में से कॉमन लिया हो वो ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे, बाकी जो बच गया वो लिख देंगे, जैसे 1/2 बी डी कॉमन ले लिया ए एम बचा, 1/2 बी डी कॉमन ले लिया सी एन बचा। अब यहाँ 1/2 बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी है 24, बी से डी तक, ब्रैकेट में ए एम, ए एम हमारे पास है 13, प्लस सी एन
सी एन है हमारे पास 8। कभी गुना का निशान हो बीच में तो क्रॉस में हो जाती है भाग, 2 से भाग हो जाएगी 24 को, 2 से भाग करने का मतलब है आधा हो जाना, 24 का आधा हो जाएगा 12, यहां 12 आया, ब्रैकेट हट जाएगा, गुना का निशान आ जाएगा, 13 और 8 मिलकर के 21 होंगे, 12 और 21 की गुना हो जाएगी, 12 का पाला पढ़ लेंगे, 12 एकम 12, 12 का 2, 1 बचा, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 552 था किसमें, मीटर में, इसलिए लिख देंगे वर्ग मीटर। अब लास्ट में लिखेंगे अते, क्या दिया है, पूछा क्या गया है, खेत का क्षेत्रफल, खेत कैसा है चतुर्भुज के आकार का, चतुर्भुज आकार, आकार के खेत का क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो गया है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।